ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, हम हर तरह से कोई ना कोई हर तरह से टैक्स देता है गवर्नमेंट को। झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं या जैसे खेती बाड़ी कर रहे हैं, अगला हम कोई बड़ा प्रोग्राम करें उसमें सब एक साथ होकर फिर सड़कों पर उतरे। जो राजनीतिक पार्टी है ये हमेशा गरीब मजदूर का शोषण करते, उसमें हम अपना बच्चों को पालन पोषण करते थे, शहरों तक सब्जियां भेजते थे। जब वो लोग आए हमारे पूर्वज और आज हमें कहते हैं इल्लीगल। इल्लीगल क्या होता है? आप जो गरीब पब्लिक गरीब जनता है आज वो आवास के लिए आपसे संघर्ष कर रही है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये वर्किंग पीपल्स चार्टर है जो आप लोगों की शायद मदद कर रहा है, समर्थन में है, तो किस तरीके से आपको समर्थन मिलता नजर आया? मैम इनका ये है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज उठा रहे हैं कि सबको मकान दिए जाए जिनको उजाड़ रहे हैं, मजदूरी दी जाए, जब काम नहीं होगा खाने के लिए नहीं होगा तो चोर बाजारी बढ़ेगी, गुंडागर्दी बढ़ेगी और एक आपस में ही एक दूसरे को मार के खाएंगे। तो इसलिए सरकार को चाहिए रोजगार के साथ साथ रहने का और रोजगार का दोनों का जो है साधन जुटाए। ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, हम हर तरह से कोई ना कोई हर तरह से टैक्स देता है गवर्नमेंट को, हर तरफ से देता है। छोटे से छोटा आदमी चाहे वो झुग्गी में रहता हो, रिक्शा चलाता हो, साइकिल चलाता हो या सड़क पे बैठ के काम करता हो, किसी ना किसी रूप में सरकार को जो है टैक्स देता है। यहाँ पे ये विशाल धरना प्रदर्शन की बात हुई है तो अब प्रदर्शन तो आप लोगों ने कर लिया है, धरना दे दिया है, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम देखिए मैडम कि हम सब जितने भी हैं जहाँ पे भी लोग रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं या जैसे खेती बाड़ी कर रहे हैं, अगला हम कोई बड़ा प्रोग्राम करें उसमें सब एक साथ होकर फिर सड़कों पे उतरेंगे। अगर किसानों की बात की जाए, आप कह रहे हैं खेती बाड़ी हो रही है, तो किसानों को सरकार की तरफ से अभी तक कितना फ़ायदा हुआ है आप लोगों को? जी हमें नुकसान हुआ है, सरकार से हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमें सिर्फ नुकसान हुआ है और नुकसान इतना हुआ है कि मतलब जो हमारा रोज़गार था, जो हमारा बड़े बूढ़ों ने जो हमें जो दिया था वो हमारी खेती बाड़ी थी, उसमें हम अपना बच्चों को पालन पोषण करते थे, शहरों तक सब्जियां भेजते थे, शहरों को भी उस चीज़ से फ़ायदा था जो ताज़ी और सस्ती सब्जी मिलती थी और हम लोगों का रोज़गार चलता था। आप एज अ किसान होने पर सम्मान निधि योजना जो सरकार दे रही है साल के 6,000 रुपये, उससे कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं, मिल रहा है या नहीं? हमें कुछ भी नहीं मिला आज तक, सरकार की तरफ से हमें कोई सुविधा मिल ही नहीं रही है, ना केंद्रीय सरकार की तरफ से ना राज्य सरकार की तरफ से। बिल्कुल, क्या कहेंगे सर, अभी जिस तरीके से मजदूर संघ की बात हो रही है, आप लोग भी लगातार यहाँ पर, तो ऐसा माना जा रहा है कि असमानता और भेदभाव हो रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है? देखो असमानता भेदभाव तो शुरू से होता ही है, ये जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं ये हमेशा गरीब मजदूर का शोषण करती है, क्योंकि इनके जो हक और अधिकार है वो भी ये सरकारें नहीं देती। जिस प्रकार से आज आवास को आवास पर बुलडोजर चलाया जाता है, हर नागरिक का हक है कि उसे घर के बदले घर मुहैया कराया जाए, पर ये सरकार ऐसा कदाचित नहीं करती। क्योंकि मैं बेला स्टेट से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम रणधीर राजपूत है, हम लोग तकरीबन 100 साल से भी अधिक हो गए, हमारी 4-5 पीढ़ियाँ वहाँ पे पीछे से मतलब ब्रिटिश शासनकाल से अंग्रेजों के समय में वहाँ आई थी। तो ये लगा लिया, ये जब देश आज़ाद नहीं हुआ था जब वो लोग आए हमारे पूर्वज और आज हमें कहते हैं इल्लीगल। इल्लीगल क्या होता है? एक तरफ सरकार कह रही है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है और आप लोग लगातार सरकार पे नाराजगी दिखा रहे हैं। हाँ तो ये विकास ही तो है कि गरीब मजदूर के घर पे बुलडोजर चलाया जाता है, उसे वहाँ से हटा दिया जाता है, तो गरीबी हटा दिया जाएगा तो विकास हो गया देश का? क्योंकि गरीब को हटाया नहीं जा रहा, आज गरीब को मिटाया जा रहा है। तो आप देखिए जिस प्रकार से जिस चीज़ को ये विकास कहते हैं, ये तो जो कमजोर वर्ग है उसका विनाश है, विकास नहीं है। ये कुछ पूंजीपतियों का भला करने के लिए गरीब मजदूर को मिटाया जा रहा है। दिखावे का जो मीडिया है, मोदी मीडिया, वो हमेशा ये दिखाती है, देखिए देश का विकास है, देश का विकास। हाँ, देखिए ना कि देश का नाम, कहते हैं कि देश का नाम बाहर हो रहा है, विश्वगुरु बन रहा है, मोदी जी पहले नंबर पे आ गए हैं, यही सारी बातें चल रही, राम मंदिर बना दिया, इतना बड़ा मुद्दा था वो। एक बात देखिए, विश्वगुरु ठीक है, आप कहते हैं देश में विश्वगुरु बन रहा है, आज अपने देश के अंदर तो देखिए कि आप कर क्या रहे हो। आप जो गरीब पब्लिक गरीब जनता है आज वो आवास के लिए आपसे संघर्ष कर रही है, रोडों पर उतर रही है, जंतर मंतर पर आवाज़ उठा रही है, तो ये क्यों? क्योंकि आप उन इस सरकार ने उन्हें उनका हक नहीं दिया, क्योंकि ये लोग कोर्ट गए, ये कोर्ट में खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, बड़े वकील हायर नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी जिसने भी उसका डेमोलिशन किया
वो बड़ा वकील हायर कर सकते थे, कोर्ट में बड़ा वकील खड़ा कर सकते थे, ये कदाचित उन लोगों से नहीं जीत सकते, कभी कोर्ट के माध्यम से अपना हक नहीं ले सकते, इसलिए मजबूरन इन्हें रोड पर उतरना पड़ता है, धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। इसीलिए आज ये सभी लोग जंतर मंतर के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आज जंतर मंतर पर आए। बिल्कुल, आपने सुना यहाँ पर तमाम लोगों ने अपनी राय दी है, क्योंकि मैंने शुरुआत में भी कहा था कि रोटी कपड़ा मकान कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ये सब लोग अच्छे से जानते हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से मोदी सरकार के खिलाफ लोग गुस्सा जाहिर करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार कहती है कि विकास हो रहा है, लेकिन लोगों का कहना है कि विकास नहीं विनाश हो रहा है। अब आपको भी क्या ऐसा लगता है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या लगता है कि मजदूर संघ जो है, जिसके साथ यहाँ पर जो लगातार काम करता है, 2400 घंटे शायद काम पर लगा रहता है, उसको पूरी तरीके से आइसोलेट कर दिया गया है या साइडलाइन कर दिया गया है, इस पर राय दीजिएगा। और देखते रहिए लीडिंग भारत।